हेलो फ्रेंड, स्वागत है नोबिनाज़ ब्लॉग आज और नया वीडियो के साथ। आज करवा चौथ है, मैं भी व्रत रखी हूँ और हमारे सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी व्रत रखी है। तो हम सब क्लब हाउस में मिल रहे हैं, पूजा भी करेंगे, कथा सुनेंगे। आप सबको मैं दिखाऊंगी क्या क्या हो रहे हैं, होने वाले हैं। और चलो क्लब हाउस चलते हैं, आप सबको मैं दिखाऊंगी क्लब हाउस में क्या क्या होगा। हम सब कथा सुनेंगे और काफ़ी सारे लेडीज़ बैठेंगे, एक दूसरे की थाली एक्सचेंज करेंगे, आप सबको मैं दिखाऊंगी। तो चलो क्लब हाउस चलते हैं। ये है हमारे पूजा की थाली और मेरे सभी फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं। थाली घुमाओगे ना? नहीं सकते, पर मेरे पास कुछ नहीं है। और आएंगे तो पता नहीं, हम गिन चुन के पांच है, पांच लेडीज है मेरे साथ लेके। हमारा अभी पूजा शुरू होने वाला है ना। ये करवा चौथ का व्रत जो है रोमांस से भरपूर व्रत है ना, इसमें आशीर्वाद भी है बड़ों का और पति का प्यार भी है। और व्रत, ये व्रत है ना, मतलब भूख भूख ज़्यादा नहीं लगती, भूख है ना, रोमांस से भरपूर व्रत है ना। नॉर्मल व्रत में भूख लगती है, ये व्रत में बहुत सारे प्यार मिलके व्रत होता है, इसलिए भूख नहीं लगते। अभी मैं भी पूजा में बैठने वाली हूँ, थोड़ा टाइम के बाद मैं फिर वीडियो लूँगी। चलो भाई। हमारी माता रानी की पूजा हो रही है अभी, सब फूल दिया चढ़ा रहे अभी तक, उसको थोड़ा ऊपर करना सुहागन के लिए, जो ये थोड़ा ऊपर करना। वापस कर, मैं वीडियो ले रही हूँ, वो सेल्फी ले रही है। इधर से आई लोग गर्दन तेरी करके सामने, कहाँ से अच्छी आई थी वो साइड से देख। Thank you.
ये पानी के साथ संकल्प कर रहे हैं अपने पति के नाम लेके। हाँ, सो हमारा पूजा अभी ख़त्म हो गया और रात को हम चांद देख के अपने अपने पतिदेव को देख के व्रत तोड़ेंगे। 8:40 को चांद का टाइमिंग है क्या? लास्ट टाइम सुनो ना, मैं एक कहानी बताती हूँ। लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट पुणे में जब आई थी मैं, तब क्या हो गया, मैं वाड़ी में थी, विशानवादी में, और क्या हो गया, मैंने ना 8:30 को ही ना व्रत तोड़ दिया। कैसे हो गया, ऊपर है ना एक है ना गोल सा एंटीना था, पता है वो जो एंटीना था पता है, और एंटीना ना पूरा चांद की तरह उजाला दिख रहा था। तो मेरा बेटी को मैंने बोला ना तो यहाँ पुणे की चांद बहुत जल्दी निकल आया 8:30 को, और मैं कोचिन में थी 10:30 को आते थे चांद। तो है ना मैंने बोला मम्मी हाँ चांद निकल आया, मैंने भी मेरे हस्बैंड को कॉल किया, हाँ चांद निकल आ गया, अभी व्रत तोड़ती हूँ, इतना बहुत जल्दी आया चांद पुणे में, बोल के ना मैंने आरती भी उतार लिया, व्रत भी तोड़ लिया, खा भी लिया, ठीक है। चांद कब आया? चांद सुनो ना बताती हूँ, तब है ना मैं बार बार जाके ना चांद को देख रही थी, अरे कितना प्यारा, कितना प्यारा, हिल भी नहीं रहा है बोल के ना, मतलब फिर देखिए डाउट आने शुरू हो गया, ये क्यों नहीं हिल रहा है बोल के ना। फिर मेरा बेटी को बोला अरे लट्टू देख चांद नहीं हिल रहा है, ये चांद क्यों नहीं हिल रहा है बोलते, मैं डरना शुरू हो गया, मैं भगवान को प्रेयर कर, भगवान ये क्या है, सुबह जाके क्या हो गया, सुबह ना बेटी को स्कूल छोड़ने गई पता है सुबह 6:30 बजे, तब भी वही था, तब जाके ना अरे ना तू ये तो एंटीना है, ये तो एंटीना है, मगर मम्मी बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं भी मेरे हस्बैंड को कॉल किया, बहुत बड़ा गलती हो गया। कोई प्रॉब्लम होता है, पहले मैं भैरव नगर में थी ना तो हाँ। वहाँ से सीधा एयरपोर्ट दिखता ना, तो लाइट पूरी आती ना, तो लाइट पूरी अभी निकल रहा है, अभी निकल रहा है, अरे तो मैंने फिर है ना भगवान को माफी मांग, भगवान करो कि मुझे माफ कर दो बोल के ना, हर साल कहानी में यही हाँ। तो मैं खुद मन से ही सोचा कि ये चांद है बोल के पूजा किया, किसी ने मेरे को बोला ही नहीं ये चांद है बोल के, तो मैंने भगवान को माफी मांगा, मुझे माफ कर दो, मैं नेक्स्ट ईयर असली चांद देख के पूरा मेरी कजन उसकी बात मैं प्रेयर करूंगी बोल के व्रत तोड़ के, ऐसे ही करती ना व्रत, कुछ करती नहीं सिर्फ। सो गाइस व्रत रहता है और चांद का टाइम रात को दिखाएंगे, चांद कैसे पूजा करते हैं अपने इधर लेट आते अपने अपने घर से लेती जल्दी का 8 का टाइम था। हर रोज ऐसे सस्ते रो रही दुल्हनिया बन के हाफ दिख रहा है, इसलिए अंडे जैसा हो गया चांद।
चला दिया ओ भाई, चलो चलो ओ भाई, चलो चलो क्या कर रहे हो भाई? पानी पी रही जय 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 क्रमगरी फोन में सारा नहीं तो चलो चलो ना चलो चलो कोई मखा कम बोले बाय। सो गाइस मेरा पूजा भी हो गया और व्रत भी मैंने तोड़ लिया मेरे हस्बैंड को वीडियो कॉल करके, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।